भारत चीन के कमांडर लेवल के अधिकारियों की बैठक, लद्दाख में चल रहे गतिरोध पर 19वें दौर की मीटिंग। 19वें दौर की बातचीत चुशुल मोल्डो में भारतीय क्षेत्र में डिप्सांग और डिमचौक इलाके में सैनिकों के डिसएंगेजमेंट पर जोर। इससे पहले 18 दौर की हो चुकी है वार्ता। लद्दाख से लगी पूर्वी सीमा पर चल रहे गतिरोध को खत्म करने की दिशा में चर्चा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर करेंगे देश को संबोधित। शाम 7 बजे देश के नाम देंगे संदेश। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रपति भवन को रंग बिरंगी लाइटों के साथ सजाया गया। नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक भी रोशनी से जगमगाए। तिरंगे की रोशनी में जगमग हुआ रेल भवन और कृषि भवन, पेश कर रहा है भव्य नजारा। दिल्ली में लाल किला के आसपास पुलिस मुस्तैद, आने जाने वाले की कड़ी नजर रखी जा रही है। लखनऊ में भी स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर, विधानसभा को सजाया गया। गुवाहाटी में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत लाइट एंड साउंड शो का आयोजन सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने उद्घाटन किया। हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा, लोग हर घर तिरंगा और मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में भाग लें और उन्हें सफल बनाएं। अंबाला में स्वतंत्रता दिवस समारोह की धूम, रंगीन रोशनी में नहाया रेलवे स्टेशन। अमृतसर में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम, स्वतंत्रता दिवस से पहले बढ़ाई गई सुरक्षा। अयोध्या में अमृत रथ यात्रा कार्यक्रम में देशभक्ति गानों की गूंज, लेजर शो के जरिए आजादी के संघर्ष को दिखाया गया। अयोध्या में हर घर तिरंगा अभियान जोरों पर, हेड पोस्ट ऑफिस से झंडों की बिक्री जारी, संडे को भी खुला डाकघर। यूपी के सीतापुर में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अद्भुत नजारा, तिरंगे की लाइटिंग से सजी सरकारी इमारतें, चौराहों पर भी लगाई गई झालर। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में निकाली गई तिरंगा यात्रा, भारत माता के जयकारों के साथ यात्रा में शामिल हुए लोग। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। शाम 5:35 पर एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम। पुंछ में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान ले रहे हैं तलाशी। जम्मू कश्मीर के डोडा में विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन, कई गांव में होकर गुजरी तिरंगा यात्रा। तिरंगा यात्रा का जगह जगह पर फूल बरसा कर फूलों से स्वागत किया गया। स्टूडेंट्स ने भी कई देशभक्ति प्रस्तुतियां दी। तिरंगा यात्रा में लोगों ने शहीदों को किया नमन, लोगों से हर घर तिरंगा सफल यात्रा के लिए बनाने की अपील की। सोपोर में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी जावेद मट्टू के भाई ने फहराया तिरंगा, कहा हिंदुस्तानी होने पर गर्व है। किश्तवाड़ में आतंकी मुदासिर हुसैन के परिवार ने अपने घर पर तिरंगा लहराया। मुदासिर की मां ने बेटे से सरेंडर करने की अपील की। छत्तीसगढ़ के राजनंद गांव में आईटीबीपी के जवानों ने निकाली हर घर तिरंगा रैली, ग्रामीणों और बच्चों ने लिया हिस्सा। स्वतंत्रता दिवस पर पंजाब की भगवंत मान सरकार खोलेगी 76 और मोहल्ला क्लिनिक, सीएम मान करेंगे उद्घाटन, 40 सरकारी अस्पताल अपग्रेड होंगे। नोएडा में हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुई सीमा हैदर, सचिन और बच्चों के साथ फहराया तिरंगा। पूरी तरीके से भारत माँ की भक्ति में रंगी नजर आई सीमा हैदर, भारत माता की जय के लगाए गए नारे। नू पलवल बॉर्डर के पौंडरी गांव में महापंचायत नू में दोबारा 28 अगस्त को शोभा यात्रा निकालने पर बातचीत। महापंचायत में लोगों ने 3 विधायकों पर दंगा भड़काने का लगाया आरोप, कहा ये लोग मेवात से हिंदुओं का पलायन चाहते हैं। महापंचायत में मृतकों के लिए मुआवजे की मांग समेत कई प्रस्ताव पास, हिंसा की जांच NIA से कराने और नू का जिला स्टेटस खत्म करने की भी मांग। महापंचायत में दोबारा यात्रा निकालने के फैसले पर बोले सीएम खट्टर, अनुमति मांगने पर उचित कदम उठाएंगे। नू में 14 और 15 अगस्त कर्फ्यू में ढील, सुबह 6 से रात 8 बजे तक दी गई कर्फ्यू में ढील। हाजीपुर सीट को लेकर पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान से बढ़ी तकरार। पशुपति पारस ने फिर कहा, मैं हाजीपुर से चुनाव लड़ूंगा। पशुपति पारस ने कहा, मैंने कई बार कहा है कि मैं अपने राजनीतिक जीवन के दौरान NDA के साथ रहूंगा, हाजीपुर के लोगों की सेवा करता रहूंगा। पशुपति पारस बोले, कोई दूसरा हाजीपुर सीट के लिए उम्मीदवार नहीं है, बाकी सभी प्रतियोगी झूठे। अजित पवार से मुलाकात पर शरद पवार की दो टूक, कहा वो मेरा भतीजा, परिवार से मिलना चर्चा का विषय नहीं हो सकता। अजित पवार से मीटिंग के बाद बोले शरद पवार, NCP का अध्यक्ष होने के नाते देता हूं भरोसा, BJP के साथ नहीं जाएंगे। शरद और अजित पवार की मुलाकात पर बोले संजय राउत, कहा दोनों की बैठक के बाद भ्रम पैदा हुआ है, जल्द से जल्द ये भ्रम खत्म करना चाहिए। शरद पवार और अजित पवार की मीटिंग पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने सीक्रेट मीटिंग का एजेंडा साफ करने की मांग की। सीएम अशोक गहलोत के मिशन 156 के दावे पर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर का पलटवार, गहलोत को मुंगेरी लाल की संज्ञा देते हुए बोले सपना देखना उनकी पुरानी आदत। MNS ने फिर से उठाया पाकिस्तानी कलाकारों का मुद्दा, कहा अगर कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर पाकिस्तानी कलाकारों को काम देगा तो पुरजोर गतिरोध होगा।
बिहार सरकार के खिलाफ 25 लाख हस्ताक्षर के साथ राज्यपाल से मिले बीजेपी नेता, अलग अलग मुद्दों को लेकर चलाया था अभियान। राज्यपाल से मिलने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी बोले, लाठीचार्ज के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पटना में एक अंग दान कार्यक्रम में सुशील मोदी की बिहार सरकार से अपील, हर मेडिकल कॉलेज में एक आई बैंक खोले जाएंगे। प्रियंका पर FIR के बाद MP कांग्रेस का कैंपेन, कई नेताओं ने किए 50% कमीशन वाले ट्वीट। प्रियंका FIR मामले में बोले कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे, बीजेपी का काम ही है लोगों को डराना, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। सीहोर में बुधनी मेडिकल कॉलेज के भूमि पूजन में बोले CM शिवराज, पहले प्रदेश में सिर्फ 5 मेडिकल कॉलेज थे, आज करीब 25 मेडिकल कॉलेज पहुंच गए हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का गहलोत सरकार पर हमला, कहा देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 16% मामले राजस्थान में होते हैं। ओडिशा के कटक रेलवे स्टेशन पहुंचे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, पुनर्विकास कार्यों का जायजा लिया। अश्विनी वैष्णव ने कहा यह एक बड़ा विजन है, रेलवे स्टेशन यात्रियों ने पूरे अनुभव को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। NIA ने 5 राज्यों में PFI के ठिकानों पर छापेमारी की, कई आपत्तिजनक डिजिटल उपकरणों के साथ दस्तावेज जब्त। कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार के 14 जगहों पर छापेमारी, सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की PFI की साजिश का पता लगाने के मकसद से छापेमारी। जालंधर में दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे पर 80 फीट गहरे बोरवेल में गिरा इंजीनियर, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मशीन ठीक करने के लिए बोरवेल में उतरा था इंजीनियर, ऊपर से मिट्टी गिरने की वजह से हादसा हुआ। दिल्ली के श्रम शक्ति भवन में संदिग्ध बैग में बम मिलने की सूचना निकली, फेक संदिग्ध बैग से कुछ भी बरामद नहीं हुआ। चेन्नई के वेलाचेरी में एक अपार्टमेंट में लगी भीषण आग, धू कर उठी लपटें, काफी मुश्किल के बाद पाया गया आग पर काबू। दिल्ली के अलीपुर इलाके में केमिकल फैक्ट्री में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। प्रयागराज में अतीक के बेटे अली पर केस दर्ज, अली के गुर्गों ने अफजल से मांगी 30 लाख की रंगदारी। जौनपुर के मीरगंज इलाके में मुहर्रम जुलूस में लगे विवादित नारे, 33 आरोपी अरेस्ट। पंजाब के तरन तारण में BSF और पुलिस का सर्च ऑपरेशन, 2 पाकिस्तानी ड्रोन बरामद। हरिद्वार के पतंजलि योगपीठ के नाम पर जलसाजी, लंदन के IP एड्रेस पर ऑनलाइन ठगी की गई, बिहार के नवादा से 2 आरोपी अरेस्ट। बरेली में पुलिस का मार्च, कावड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर सुरक्षा बलों का मार्च। लुधियाना में 2 इंटरस्टेट चेन स्नैचर्स गिरफ्तार, पुलिस से बचने के लिए छत से कूदे, घायल दोनों पर केस दर्ज। मैनपुरी के दन्नाहार थाना इलाके में 3 ड्रग तस्कर अरेस्ट, 5 लाख रुपए का 26 किलो, 725 ग्राम गांजा बरामद। उदयपुर में करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष भंवर सिंह को मारी गई गोली, हमलावर गिरफ्तार। थाने के छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में 48 घंटे में 18 मरीजों की मौत से हंगामा, CM शिंदे ने दिए जांच के आदेश। थाने नगर आयुक्त अभिजीत बांगर ने कहा पूरी घटना की जानकारी CM को दी गई, घटना की निष्पक्ष जांच के लिए एक समिति बनाई जाएगी। थाने के अस्पताल में मौत पर मंत्री दीपक केसरकर ने कहा लापरवाही हुई है तो मुआवजा मिलेगा और कार्रवाई भी होगी। भारतीय वायुसेना ने माउंट नून बेस कैंप से एक घायल पर्वतारोही को रेस्क्यू किया। मोतिहारी में संदिग्ध हालत में मिला महिला का शव, एक गिरफ्तार, घरवालों ने गैंगरेप और हत्या का लगाया आरोप। पंजाब के संगरूर की एक महिला मलेशिया में फंसी, महिला का वीडियो वायरल, परिवार ने सरकार से मदद की मांग। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के लिए 3 दिन खतरनाक, भारी बारिश और बादल फटने की वजह से आशंका, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक नॉर्थ ईस्ट के कुछ पहाड़ी इलाकों पर भी तेज बारिश का अनुमान। हिमाचल के मंडी में 7 जगह फटा बादल, कई इलाकों में भूस्खलन से सड़कें भी टूटी। हिमाचल के सिरमौर के नाहन में फटा बादल, कंधी वाला गांव में फंसे 25 स्कूली बच्चे और सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। हिमाचल के मंडी धर्मपुर में उफनाई सोनखड्डू नदी, बस स्टैंड और दुकानों में भरा पानी। मंडी के चुरान गांव में फटा बादल, मलबे में गांव के 40 घर चपेट में आए, गाड़ियां भी बही। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के चलते आज स्कूल कॉलेज बंद, एहतियातन प्रशासन ने लिया फैसला। मंडी में 2 गांव के पास लैंडस्लाइड का अलर्ट, अमला गालू और पासी घाट गांव को कराया गया खाली। शिमला में भारी बारिश से तबाही जारी, पेड़ गिरने की वजह से रास्ता बाधित। शिमला में टनल के पास गिरा पेड़, एक बिल्डिंग को हुआ नुकसान, बिजली हुई ठप। सोलन के नालागढ़ इलाके में मझेड़ गांव असुरक्षित घोषित, घरों में दरारें आने की वजह से प्रशासन का फैसला। चमोली के पीपल कोटी में बाढ़ जैसे हालात, अगरतला वार्ड में दुकानों में भरा ड्रोन का पानी। उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश से नुकसान, पीपल कोटी में लैंडस्लाइड में गिरा मलबा, कई गाड़ियां दबी सड़क ही पर। उत्तराखंड के देहरादून में बारिश लोगों के लिए बनी मुसीबत, SDRF ने लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। चेन्नई में भारी बारिश, माउंट रोड और
नुम्बकम इलाके में सड़कों पर भरा पानी। वेस्टइंडीज के खिलाफ आखिरी टी20 मैच में भारत की शर्मनाक हार, वेस्टइंडीज ने 8 विकेट से जीता मैच। भारत ने 5 मैचों की टी20 सीरीज गवाई, वेस्टइंडीज ने सीरीज पर 3-2 से कब्जा किया। भारत ने पहली बार 5 मैचों की टी20 सीरीज गवाई, वेस्टइंडीज के खिलाफ लगातार 15 सीरीज जीतने के बाद सीरीज गवाई। भारतीय गेंदबाज विकेट लेने में पूरी तरीके से नाकाम रहे, अर्शदीप सिंह और तिलक वर्मा ने 1-1 विकेट लिया, बाकी गेंदबाजों ने किया निराश। टॉस जीतकर टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी की, 9 विकेट खोकर बनाए 165 रन, वेस्टइंडीज ने 18 ओवर में हासिल किया टारगेट। पहले बैटिंग करते हुए उतरी टीम इंडिया की शुरुआत ही बेहद खराब रही, यशस्वी जायसवाल 5 रन बनाकर आउट हुए। सूर्य कुमार यादव ने टी20 इंटरनेशनल करियर की 15वीं 50 जमाई, 61 रनों की अर्धशतक की पारी खेली। तिलक वर्मा ने 18 बॉल पर 27 रन बनाए, हार्दिक 14 और संजू सैमसन 13 रन बनाकर आउट हुए। इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा परिवार संघ तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंचे देखने के लिए उमड़ी फैंस की भीड़। विश्व रैंकिंग में 3रे स्थान पर पहुंची भारतीय मेंस हॉकी टीम एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का मिला फायदा। ऑस्ट्रेलिया की मेंस और वुमेन्स हॉकी टीम पेरिस ओलंपिक में लिए क्वालिफाई हुई, न्यूजीलैंड को हराकर जगह पक्की की। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच सेमीफाइनल में होगी टक्कर, पहली बार सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी की पूजा, भगवान शिव के रुद्राभिषेक के बाद किया हवन। मेरठ के बाबा ओगरनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, सावन के छठे सोमवार के मौके पर पूजा।